इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको अवगत करा देते, बता दें कि अवनी लेखरा के वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने से जुड़ा ये मामला है। जी मीडिया द्वारा अवनी का मामला लाया गया सरकार के संज्ञान में। खेल मंत्री अशोक चांदना ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा, अवनी न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश का गौरव है। ऐसे प्रतिभावना खिलाड़ी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा और अवनी के पिता से बात करके पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। जरूरत पड़ी तो पीसीआई से बात करके समस्या का हल निकलवाया जाएगा। पीसीआई के संविधान के तहत अवनी चारों इवेंट में खेल सकती है, भाग ले सकती है। ऐसे में दो इवेंट में बाहर करने के पीछे की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कहा, प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए। ललित, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नवंबर के महीने में यूएई में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, उसमें अवनी लेखरा जो राजस्थान नहीं पूरे देश का गौरव है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, इसके साथ ही पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था, इस बार पीसीआई के जो नए नियम है वह अवनी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चार इवेंट जिसमें R2, R3, R6 और R8 यानी कि 10 मीटर और 50 मीटर की जो राइफल शूटिंग प्रतियोगिता होती है उसमें अवनी हमेशा भाग लेती आई है, लेकिन पीसीआई ने दो इवेंट यानी R3, R6 में से अवनी को हिस्सा लेने से बाहर कर दिया है, उनके पॉइंट्स कम बताए जा रहे हैं। ऐसे में अवनी ने पीसीआई से गुहार लगाई थी कि जो पीसीआई का संविधान है उसके तहत यदि कोई एलिट खिलाड़ी है, यदि उसके एलिट खिलाड़ी है तो ऐसे में जो क्वालिफाइंग पॉइंट्स हैं उनमें 3+ पॉइंट ऐड किए जाते हैं जिसके द्वारा वो क्वालिफाई चारों इवेंट में कर रही है, लेकिन पीसीआई द्वारा इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ ही यदि कोई पैरा खिलाड़ी किसी एक इवेंट में क्वालिफाई कर लिया जाता है तो वह अन्य इवेंट में भी जो उसकी कैटेगरी के हैं उसमें वो खेलने के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाता है, लेकिन पीसीआई इसकी ओर से भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे भी आप, क्योंकि खेल मंत्री ने आश्वासन दिया है तो देखना होगा आगे मामले में क्या कार्रवाई होगी।